नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस YouTube चैनल अपडेट्स विद कुंदन में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको इंतजार था IBPS RRB PO और क्लर्क का, तो नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है आज। और जो लोग भी इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं वो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एग्जामिनेशन फीस के बारे में एंड ऑल थिंग्स के बारे में मैं इसको जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक आप लोग बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है, यहाँ IBPS का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है। यहाँ वेबसाइट दे रखी है www.ibps.in का। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, RRB स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला न्यूज़ है आपका कि कौन कौन से RRB पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेटिंग RRB का नाम है, जैसे कि तेलंगाना स्टेट में वारंगल इसका हेड ऑफिस है एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के लिए ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें तेलुगु लैंग्वेज रखी गई है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब ये है कि जो लोग भी अगर लैंग्वेज जो है अगर 10th या 12th में पढ़ चुके हैं तब तो उनका टेस्ट नहीं होगा, जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं तो उनका ये टेस्ट लिया जाएगा। या जो लोग भी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं और उनका 10th 12th में वहाँ की लैंग्वेज नहीं पढ़ रखे हैं तो उनका अलग से लैंग्वेज टेस्ट होगा। जैसे कि अगर आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और तेलंगाना से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको तेलुगु देना पड़ेगा एग्ज़ाम। इसी तरह से सारे स्टेट का, सारे बैंकों का अलग अलग लैंग्वेज टेस्ट रखा गया है। तो अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कैटेगरी, यहाँ पर जैसे कि आपका पहला है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए या फिर नेपाल या भूटान के होने चाहिए। एंड सेकेंड आपका जो कि मेजर चीज़ है एज का, तो एज आपका यहाँ पर देख ले सकते हैं, एज जो है आपका रखा गया है, कट ऑफ एज जो है आपका यहाँ पर 3/6/1981 से लेकर 2000 तक के बीच का, ऑफिसर स्केल 3, ऑफिसर स्केल 2 का 89 से लेकर 2000 तक का। एंड जो असिस्टेंट मैनेजर, जो कि सारे लोग जिसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए एज रखी गई है 3/6/1991। दोस्तों, 3/6/1991 से जो लोग भी पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते और 2003 के बाद का जिनका एज है वो लोग भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसी तरह से ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1993 रखा गया है, 2/6/1993 और 1/6/2003 के बीच का ही इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब इस दोनों डेट को जो लोग, जैसे कि कोई 1 जून को है जिनका डेट ऑफ बर्थ, तो ये दोनों भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोनों डेट इंक्लूसिव होता है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन जो कि आपको मिलता है वो आपका SC ST वालों को 5 साल और 3 साल OBC वालों के लिए और डिसेबिलिटी वालों के 10 साल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो लोग भी ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरना चाहते हैं यानी कि क्लर्क के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वो सिंपली उनको ग्रेजुएशन मांगा गया है डिग्री और आपका डिजायरेबल नॉलेज कंप्यूटर में होना चाहिए। एंड ऑफिसर स्केल के लिए जो भी फॉर्म भरेंगे उनका भी सेम जो है आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और प्रीफ्रेंस यहाँ पर दिया गया एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन इसमें मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया और आपका सिंपली बैचलर डिग्री होगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें भी आपका डिजायरेबल मांगा गया है ये आपका कंप्यूटर नॉलेज। बाकी ऑफिसर स्केल 2 का अगर देखें तो ऑफिसर स्केल 2 में आपका जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। एंड ऑफिसर स्केल 2 जो है आपका यहाँ पर इसमें 1 ईयर का मांगा गया जो कि स्पेशलिस्ट SO के लिए होता है। एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपका जो लोग भी लास्ट ईयर में हैं उनका रिजल्ट अगर 28/6/2021 से पहले आ जाता है तो वो लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज वो लोग फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। 28 जून 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है रिजल्ट के लिए, तो आपका इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर OBC और जनरल के लिए 850 रखा गया है एंड आपका SC ST वालों के लिए 175 है। दोनों के लिए सेम ही फीस रखी गई है, या ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 या फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात करें तो दोनों का फीस आपका सेम है। अब हम लोग एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो प्री का एग्ज़ाम जो है इसमें
आपका तीन हो दो पेपर होते हैं, इंग्लिश नहीं होता है, तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है। जिनका इंग्लिश अगर वीक है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, उनका इंग्लिश का इसमें टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स का टेस्ट होता है। 40-40 मार्क्स का, 40-40 मिनट्स, आपको 45 मिनट कंपोजिट टाइम दिया जाता है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, आपको कंपोजिट टाइम 45 मिनट का दिया जाएगा, उसी में आपको पेपर करना है दोनों। सेम ऑफिसर स्केल का भी सेम ही पैटर्न रखा गया है, आप देख सकते हैं दोनों का सेम ही रखता है। और लेकिन इसकी जो कट ऑफ निकलती है वो सेक्शनल कट ऑफ निकलती है, ध्यान रहे। इसमें मेंस की मैं बात बता दूं तो मेंस में क्लर्क के लिए 40-40 क्वेश्चन रखे जाते हैं, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स रीजनिंग में, एंड कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन आधा नंबर का होता है, एंड जनरल अवेयरनेस एक क्वेश्चन एक नंबर, एंड इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। ये चॉइस पे आपके हैं, या तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं एग्ज़ाम, या तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, एंड हिंदी में भी देते हैं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगेन 40 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 50 मार्क्स के रहेंगे, एंड कंपोजिट टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर नहीं मिलती है। आपका सेम ऑफिसर स्केल में भी सेम आपका वही होता है, आप देख सकते हैं। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है फ्रेंड, मैं बता दूं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन एक नंबर का हुआ और बाकी क्वेश्चन 2 नंबर के, ऐसे नहीं होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। सेम आपका मैथ्स में भी वही रहेगा, एंड कंप्यूटर नॉलेज में प्रत्येक क्वेश्चन आपका 0.5 मार्क्स का देखने को मिलेगा, एंड कंपोजिट टाइम इसका आपको 2 आवर्स का मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आगे आपको यहाँ पर दिया गया है कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है। तो एग्ज़ाम में देख लीजिए, यहाँ पर आपको मास्क है, ग्लव्स है, आपका पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल है, और पर्सनल हैंड सैनिटाइजर एंड सिंपल पेन लेकर जाना है। एंड आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि एडमिट कार्ड के साथ एक फ़ोटोग्राफ लेकर जाना होगा, एंड आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना है। फ्रेंड्स इसमें और भी एक बात ध्यान में रखने लायक है कि इस बार आपका जो है कॉल लेटर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सबमिट नहीं होगा, वो आपको मेंस के टाइम पे लेकर के आना है। मेंस के टाइम में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कॉल लेटर। तो प्री का आपका जो एडमिट कार्ड है वो मेंस के टाइम में भी लेकर के जाना है, उसको सबमिट वहीं करना है मेंस के टाइम में, प्री में वो आपका सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में देखते हैं, हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जा कर के सिंपली आपको क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए, और एक हैंड डिक्लेरेशन चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए फ़ोटोग्राफ कैसा चाहिए, कितना साइज है, और डिक्लेरेशन मैं बता देता हूँ क्या लिखना है आपको डिक्लेरेशन में। तो डिक्लेरेशन में फ्रेंड्स वही ओल्ड पैटर्न वाला ही है जो पहले होता था, SBI की तरह चेंज नहीं हुआ है इस बार। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है, आपको यही सेम लिखना है रनिंग हैंड राइटिंग में, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है यहाँ दिया हुआ, सिग्नेचर भी कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है। फीस मैंने आपको बता दी है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए, वैकेंसी में आपका सबसे पहले अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में इस बार आपका NR यहाँ पे आया है, आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक में। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना देना चाहता हूँ कि NR और जीरो वैकेंसी में काफ़ी अंतर होता है। NR का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, इट मीन्स होता है ये होता है कि अभी तक बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है वैकेंसी, आगे चल के वो वैकेंसी रिपोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर जीरो वैकेंसी है तो वो आगे चल के वैकेंसी अपडेट नहीं करेगी, जीरो के जीरो ही रहेंगे, और आपका NR में वैकेंसी आगे अपग्रेड होकर के बढ़ भी सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर NR है देख लीजिए आंध्र प्रदेश में इस बैंक में, और चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में यहाँ पर 59 है जनरल की। इस तरह से सारे स्टेट की आप देख सकते हैं वैकेंसी। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जनरल में 50 सीट्स हैं एंड 198 सीट्स है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर ग्रामीण बिहार ग्रामीण बैंक में OBC की बात करें तो 32 और 132 है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 164 वैकेंसी आपका OBC में, और ये आपका 250 इसमें जनरल में है बिहार में। अगर मैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कर्नाटका में दोनों जगह NR लिखा हुआ, तो घबराने की बात नहीं, ये आगे चल करके आपका वैकेंसी इंक्रीज होगा। बहुत सारे बैंक ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरा नहीं किया है, इस कारण से अभी NR लिखा हुआ है, बाद में वो एक विद इन 1 वीक या 2 वीक में आपको हो सकता है देखने को यहाँ वैकेंसी मिल जाए।
जैसे महाराष्ट्र के इस बैंक में भी अभी NR है, बिंदारा कोंकण ग्रामीण बैंक में। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका, जैसे कि लास्ट ईयर भी उत्तर प्रदेश में आया था, इस बार भी उत्तर प्रदेश में आया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लर्क में वैकेंसी आपकी टोटल 95, 386 और 121 सिर्फ जनरल में। अगर टोटल में ऐड करूँ तो लगभग 1900 PO की वैकेंसी सिर्फ UP में आई है। 1900 वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा नंबर है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं 1900 वैकेंसी सिर्फ क्लर्क, सॉरी ये मैंने ऐड किया था, आई थिंक 1400 है यहाँ पर वैकेंसी, 1400 क्लर्क में वैकेंसी है, 1900 आपका PO में है। जब आप इसको ऐड करेंगे यूपी में तो ये आपका 1900 आएगा ऑलमोस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे यूपी में। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में प्री का एग्ज़ाम का ये सेंटर है और मेंस का कुछ कम दिया जाता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं हर स्टेट का, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो नहरलागुन और नहरलागुन यहाँ दोनों मेंस का भी वही है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, लेकिन मेंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रायपुर में है। अगर मैं फिर यूपी की बात करूँ तो यूपी में भी सेम सारे जगह है लगभग, एंड मेंस में प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ बस तीन जगह है। अब यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ आपको कैसा डालना है, तो फोटोग्राफ जो है आपका 4.5x3.5 साइज़ में होना चाहिए। आप कोई भी हैट, डार्क ग्लास यूज करके ना लगाएं फ़ोटो, और साइज़ जो होना चाहिए 20-50 KB के बीच में होना चाहिए, और डायमेंशन जो है 200x230 के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका लंप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए, तो एप्लीकेशन हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक। ब्लैक इंक पेन से ही साइन करें फ्रेंड्स, ब्लू से ना करें, ब्लैक इंक पेन से आप साइन सिग्नेचर करेंगे, जिसका कि साइज़ आप रखेंगे 10-20 KB के बीच में, और डायमेंशन रखेंगे 140x60 pixels, और आप 20 KB से ज़्यादा का फ़ोटो ना डालें स्कैन इमेज। एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है वाइट पेपर पे ब्लैक इंक या ब्लू इंक से भी, दोनों में से कोई भी इंक का यूज आप करके थंब इम्प्रेशन डाल सकते हैं, जिसका कि फाइल साइज आपको 20-50 KB रखना है। हैंड डिक्लेरेशन अगेन आपको फ्रेंड्स यहाँ पे वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से ही लिखना है, ब्लू से ना लिखें, जिसका कि साइज़ आपको 50-100 KB रखना है। याद रखें फ्रेंड्स यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा हुआ भी है कि आपका कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है, रनिंग हाइटिंग में ही लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको मैंने नहीं बताया हो, लेकिन और भी मैं इसके बाद आपको बता दूं एक बात कि जिन स्टेट्स में वैकेंसी कम है या NR है, वो अगर चाहते हैं कि दूसरे स्टेट से वैकेंसी में फॉर्म फिल किए करें, तो फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि ये RRB है, RRB में आपको कभी भी आगे चल करके स्टेट चेंज नहीं हो सकता है, इसमें आपको इवन बैंक भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जिस साइड में, जिस स्टेट में आप फॉर्म फिल करेंगे उसी स्टेट में ज्वाइनिंग होगी, बाद में आपको चल करके चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा, ना तो PO में ना ही क्लर्क में, याद रखें ये बाकी बैंकों की तरह नहीं है। तो फॉर्म फिल करने से पहले ये सब सोच करके फिल करें कि आपको उसी स्टेट में भी जॉब ही करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।